न बने, देश की पहचान बननी चाहिए। हम डालना नहीं टकराना जानते। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा, यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के जुल्मों सितम की आवाज उठाई। पीएम मोदी का वहां के लोगों ने उनके मुद्दे उठाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, माओवाद और उग्रवाद पर भी जमकर हमला बोला और नौजवानों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़े। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। हिंसा और अत्याचार को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। अगर भारत के मजबूत, भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत को सपनों को पूरा करना है, तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40-40 हो गया, ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा, यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा, यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुकेगा। लेकिन मैं उन नौजवानों कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए, एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी सीधा जवाब दिया। आतंकवाद के समर्थन को लेकर विश्व के सामने मोदी ने शरीफ के दोहरे रवैये को साफ कर दिया। मैं विश्व के सामने दो चित्र रखना चाहता हूं, दो घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं, और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया, घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी, निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था, निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान संसद की आंखों में आंसू थे, भारत की हर स्कूल रो रही थी, भारत का हर बच्चा
पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा, यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं, ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये साफ कर दिया कि वो अब समस्याओं से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे सीधे सीधे टकराएंगे और उसका हल निकालेंगे। हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते, हम टालना नहीं टकराना जानते हैं। और इसलिए जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं है, नहीं होता। हमारे देश में मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षा बंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ, हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करने का है। और कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था, हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में, हमने उसको पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी, इस काम को किया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि उनके लिए देश की छवि सरकार और पार्टी की छवि से ऊपर है। हमें सरकार की पहचान बनाने से ज्यादा मेरे हिंदुस्तान की पहचान कैसी बने उस पर बल है। दल की पहचान बने या न बने, देश की पहचान बननी चाहिए। देश की पहचान बनेगी तो आने वाली सदियों तक, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसका लाभ होने वाला है। और इसलिए हमने सरकार की पहचान को प्राथमिकता नहीं दी है, देश की पहचान को प्राथमिकता दी है। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि सरकार अब आक्षेपों से नहीं, अपेक्षाओं से घिरी हुई है। एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है, तब ये बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती है। और अपेक्षाएं सुराज की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पूर्ति हैं, और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने ये भी कहा कि उनकी सरकार का संकल्प स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा करना है। आज ऐसे नहीं मिला है, जुल्म बेशुमार थे, लेकिन संकल्प अडिग थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था, हर एक का जज्बा था देश आजाद हो। हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला, हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला, लेकिन
हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था, महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज को सुराज्य में बदलना, ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उनका सामर्थ्य भी याद कराया, जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सही है, देश के पास सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन यह हम ना भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। NMF News की रिपोर्ट।